नमस्कार दोस्तों, हिंदी वेब में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लाया हूँ जिसके जरिए आप किसी भी टेक्स्ट का फोटो क्लिक करके आप उस टेक्स्ट को टाइपिंग के रूप में अपने मोबाइल के अंदर पा सकते हो। दोस्तों, आपको पता ही होगा, जब हम किसी क्लासेज, स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक बुक दी जाती है जिससे हमें नोट्स बनाने होते हैं। पर हम ये चाहते हैं कि काश कोई ऐसा सिस्टम होता जिससे कि हम अपने मोबाइल के कैमरे के द्वारा उसका फोटो क्लिक करके उसको टाइपिंग के रूप में अपने मोबाइल के अंदर पा सकते। तो दोस्तों, इसी वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से किसी भी टेक्स्ट का फोटो क्लिक करके आप उस टेक्स्ट को टाइपिंग के रूप में अपने मोबाइल के अंदर पा सकते हो, और साथ में आप उसको कॉपी करके या ट्रांसलेशन करके आप उसको कहीं भी रख सकते हो या प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर जाना है। एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर जाके आपको अपने प्ले स्टोर में जाके यहाँ पे सर्च करना है टेक्स्ट फेरी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको सर्च कर लिया है, जिसको हम शॉर्टकट में OCRP बोलते हैं, जिससे कि हम अपने टेक्स्ट को स्कैन करके अपने मोबाइल के अंदर टाइपिंग के रूप में पा सकते हैं। तो आपको जो फर्स्ट वाली ऐप दिखाई दे रही है, आपको इसको अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना है। मैंने इस ऐप को पहले से अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है, तो चलिए मैं आपको बता लेता हूँ आप इस ऐप का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ से जो भी लैंग्वेज डाउनलोड करनी है वो लैंग्वेज डाउनलोड कर सकते हो जिसको आप ट्रांसलेशन करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश को पहले से डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ से इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद ऊपर हमें यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं। यदि आप कैमरे के द्वारा किसी भी टेक्स्ट को स्कैन करना चाहते हो तो आप कैमरे के द्वारा भी कर सकते हो, और यदि आपके पास पहले से कोई टेक्स्ट का फोटो है तो आप डायरेक्ट यहाँ से गैलरी के अंदर जाके उस फोटो को लेकर यहाँ से स्कैन कर सकते हो। स्कैन करने के बाद आपका जो टेक्स्ट है वो टाइपिंग के रूप में आपके मोबाइल के अंदर आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ से कैमरे के द्वारा यहाँ से कोई टेक्स्ट का फोटो क्लिक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बता लेता हूँ वो किस प्रकार से अपने मोबाइल के अंदर टाइपिंग के रूप में आता है। तो मैं यहाँ से कैमरे पे क्लिक कर लेता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे किसी टेक्स्ट को क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसका फोटो क्लिक कर लिया है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे जो राइट का ऑप्शन दिया हुआ है हमें इस पर क्लिक करना है। जो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे हमें राइट का ऑप्शन दिया हुआ है, हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे उस पार्ट को सिलेक्ट करना है जिसको हम यहाँ से टाइपिंग के रूप में पाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे इतने इतने पार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इस पार्ट को यहाँ पे टाइपिंग के रूप में पाना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं इतना सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद हमें इस पॉइंट को सही से रखना। यदि आप किसी भी बात को बाहर रखते हैं तो आपका जो स्कैन है वो सही नहीं हो पाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको लगभग सही रूप में सेलेक्ट कर लिया है, और थोड़ा ऊपर भी कर लेता हूँ। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे जो एरो का निशान दिखाई दे रहा है हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे स्कैन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो हमारा जो टेक्स्ट है वो फिलहाल इंग्लिश में, इसलिए मैं यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर हमें स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फ्री हो जाएगा, और फिर ये स्कैन भी होना शुरू हो जाएगा। अब यदि आप इस टेक्स्ट को PDF में सेव करना चाहते हो तो डायरेक्ट आप PDF में सेव कर सकते हो, और यदि आप इसकी कॉपी करना चाहते हो तो यहाँ से कॉपी कर सकते हो, और यदि आप इसको शेयर करना चाहते हो तो यहाँ से शेयर भी कर सकते हो। पर मैं यहाँ से कॉपी पे क्लिक कर लेता हूँ, और कॉपी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं जो मैंने वहाँ पे फोटो क्लिक किया वो का वो इसके अंदर आ चुका है। और यहाँ से मैं इसको कोई चेंज करना चाहता हूँ यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ, जैसे कोई इसके अंदर मुझे दिखना है तो यहाँ से लिख भी सकता हूँ। और साथ में दोस्तों नीचे हमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जिनका उपयोग हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑप्शन शो होते हैं। यहाँ पे यदि आप इस टेक्स्ट को कॉपी करके कहीं और भेजना चाहते हो मैसेज के द्वारा, या फिर कहीं रखना चाहते हो तो यहाँ से रख सकते हो, और फिर यदि आप इसको शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हो, और यदि आप इसको फोटो के रूप में देखना चाहते हो तो आप इसके द्वारा देख सकते हो। और इसके अंदर में जो सबसे ज़्यादा काम का ऑप्शन मिलता है वो है ट्रांसलेशन, इसके द्वारा हम इसको इंग्लिश से हिंदी में या अपने अनुसार किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिक ये हिंदी में हो चुका है।
यदि आपको अपने अनुसार किसी लैंग्वेज सबको चेंज करना तो या से चेंज कर सकते हो या से आपको लैंग्वेज अलग लेनी पड़ेगी। तो आपको जो भी लेंगे वो या से ले सकते हो, आपको सब प्रकार की या से लैंग्वेज मिल जाती है। उसके बाद यदि आपको नहीं करना तो आप इस ड्रॉप पे क्लिक कर लीजिए, और यदि आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इसी प्रकार से मैं आपको हिंदी में भी एक फोटो क्लिक करके बता लेता हूँ, आप किस प्रकार से हिंदी को भी इसमें टाइपिंग के रूप में पा सकते हो। इसके लिए हमें ऊपर यहाँ पे कैमरे का आइकन दिखे दे रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद हमें जो कैमरा है इस पर क्लिक करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे उस फोटो को क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे उस फोटो को क्लिक कर लेता हूँ और हमें इस फोटो को एकदम सही प्रकार से क्लिक करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फोटो को सही क्लिक कर लिया है। अब हमें जो राइट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ से उस भाग को सिलेक्ट करना है जिसको हम यहाँ से स्कैन के रूप में पाना चाहते हैं, जिसको हम टाइपिंग के रूप में यहाँ पे पाना चाहते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पे हमें जो एरो का निशान दिखे दे रहा है हमें इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे स्कैन होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ से हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो अभी हमारा जो टाइपिंग है वो यहाँ पे स्कैन होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये तो स्कैन कर रहा है, और फिर ये टाइपिंग के रूप में हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें मिल चुका है, मैं यहाँ से कॉपी पे क्लिक कर लेता हूँ, और कॉपी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं जो हिंदी टाइपिंग थी वो यहाँ पे आ चुकी है। यदि आप इस टाइपिंग को इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन मिल जाता है, आप उस पर क्लिक करके इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इस ऐप के जरिए आप किसी भी टेक्स्ट का फोटो क्लिक करके आप उसको टाइपिंग के रूप में अपने मोबाइल के अंदर पा सकते हो, फिर आप उसको कॉपी करके आप कहीं भी इसको भेज सकते हो, और साथ में आप उसको किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।